है बहुत अच्छी हो, लुकिंग गुड ग्रेट, हमारा नेल अच्छा हो, हमारा हेयर अच्छा हो, हर आदमी यही चाहता है। बायोटीन एक क्रूशियल न्यूट्रिएंट प्रदान करता है टू अचीव दिस गोल। आपका यदि ये गोल है, यदि ये इच्छा है, यदि आपका डिजायर है, तो इसके लिए बायोटीन वो सारा कुछ पूरा करता है। ये एक पर्टिकुलर चीज है। जब बहुत सारे लोग यदि इसकी बात करें तो B7 को डाइट के थ्रू नहीं ले पाते। कुछ लोग ले पाते हैं, कुछ लोग डाइट के थ्रू नहीं ले पाते। जो डाइट के थ्रू नहीं ले पाते वो सप्लीमेंट के थ्रू इसको ले सकते हैं। बायोटीन के सप्लीमेंट्स आती हैं, आप सप्लीमेंट ले सकते हैं और अच्छी क्वालिटी का, अच्छी मात्रा में आप सप्लीमेंट के साथ बायोटीन की कमी को पूरा कर सकते हैं। अब एक और चीज पे चर्चा करते हैं। ये सब टर्म आपने बार बार सुना होगा और आप इसको जानते होंगे, केराटीन। केराटीन एक तरीके का तत्व है जो हेयर के लिए, स्किन के लिए और नेल के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपका हेयर, आपका स्किन और आपका नेल, आपका बाल, आपका गाल, आपका स्किन जिसको कहते हैं आप, और आपका जो नाखून है वो केराटीन से ही बना हुआ है। दे आर मेड अप ऑफ केराटीन। इसलिए क्योंकि ये एक बेसिक प्रोटीन है जो आपके हेयर के थ्रू रन करता है। बायोटीन क्या करता है? तो केराटीन के स्ट्रक्चर जो आपकी बॉडी में है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पे, उसको मजबूत करने में, उसको इंप्रूव करने में मदद करता है। और ये जो है आपके बाल के थिकनेस को और वॉल्यूम को दोनों को बढ़ाता है, हेयर फॉल को रिड्यूस करता है बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर। ये केराटीन के स्ट्रक्चर पे काम करता है, उसके स्ट्रक्चर को इंप्रूव करता है। इसीलिए क्या क्या होता है, तो हेयर वॉल्यूम का थिकनेस बढ़ता है, और हेयर वॉल्यूम बढ़ता है और थिकनेस बढ़ता है, हेयर वॉल्यूम भी बढ़ता है और थिकनेस भी बढ़ता है। अब ये बात मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, ये बात NCBI कह रही है। इसलिए मैंने NCBI का भी आइकॉन वहां पे रखा है। NCBI अपने एक डबल ब्लाइंड स्टडी जिसको कहते हैं, उसमें इस बात को प्रूव किया है कि ये बायोटीन B7 आपके वॉल्यूम को और आपके थिकनेस को, बाल के, बढ़ाता है। NCBI का जो डेटा माना जाता है वो काफी रिलायबल माना जाता है। NCBI का मतलब क्या है, पिछली बार भी मैंने बताया था, NCBI स्टैंड्स फॉर नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। ये जो NCBI है उसको जो है दुनिया का सबसे ज्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन सोर्स माना जाता है बायोलॉजी के लिए और बायोटेक केमिस्ट्री के लिए। और ये US गवर्नमेंट की बॉडी है NCBI। NCBI ने यदि कुछ कहा है, उसने यदि कुछ कहा है, तो उसके रिसर्च और उसके डेटा को बहुत ज्यादा वैल्यू दिया जाता है। तो NCBI ने ये फाइंड आउट किया कि हेयर का वॉल्यूम और हेयर का थिकनेस दोनों का दोनों ये बढ़ाता है। तो सबसे पहले तो हेयर वाले लोग, जिनके भी हेयर की बात हो रही है, उनके लिए ये एक जबरदस्त न्यूज है और जबरदस्त इंफॉर्मेशन है कि भाई बायोटीन उस तरीके से काम करता है। ग्लोइंग स्किन की बात करते हैं। आपका यदि स्किन की बात करें तो स्किन स्वस्थ होना एक बात है, ग्लो होना एक बात है। स्किन ग्लो होना और स्वस्थ होना, स्किन में टाइटनिंग होना, रिंकलिंग कम होना, स्किन में एक तरीके का आभा होना, स्किन में एक तरीके का चमक होना, ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। और ये तभी होगा जब स्किन अंदर से स्वस्थ है, माइक्रो न्यूट्रिएंट के मामले में उसको जो विटामिन्स चाहिए वो पूरी की पूरी मिल रही है, और उसके हर चीज, कोशिकाएं और हर चीज का फॉर्मेशन, रीजेनरेशन, रिजुविनेशन, हर कुछ प्रॉपर हो रहा है। बायोटीन क्या करता है? तो ये जो है एक मकस कहते हैं, मेम्ब्रेन होता है, मकस मेम्ब्रेन्स जो आपके स्किन के हैं उनको जो है मेंटेन करने में मदद करता है, उनको अच्छी तरीके से मेंटेन करता है। तो आपके जो मेम्ब्रेन मकस हैं उनको ये मेंटेन करने का काम करता है, उनको स्वस्थ रूप से रखता है। और जब बायोटीन डिफिशियंसी यदि किसी को हो जाती है तो क्या क्या होता है नॉर्मली, कि आपका स्किन जो है थोड़ा डल पड़ जाता है, आपका स्किन जो है रेड डिस होने लगता है, उस पर कोई स्केली होने लगता है या रैशेज आने लगते हैं, उस पर देखिए एक चकता हो जाता है, कोई इस तरीके का माने उस पर धब्बा आता है, लाल हो जाता है, कुछ इस तरीके की इश्यूज होती हैं। तो बायोटीन क्या करता है, इसमें भी क्रूशियल रोल प्ले करता है और आपके क्या बोलते हैं उसको, चपापचय, मेटाबोलिज्म जो आपकी होती है, मेटाबोलिज्म जो फैट की होती है, फैट की मेटाबोलिज्म के प्रोसेस को जो है ये इन्फ्लुएंस करता है, उसको फास्ट करता है। ये जो है आपके हेल्दी स्किन को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है, एसेंशियल है।
आपका यदि हेल्दी स्किन रखना है तो आपके फैट का मेटाबॉलिज्म बहुत बढ़िया से सुचारू रूप से होना चाहिए। बायोटिन सिंपल एक काम करता है कि आपके फैट का, चर्बी का मेटाबॉलिज्म जो है बहुत बढ़िया कर देता है, जिससे फायदा क्या होता है कि आपका हेल्दी स्किन निखर के आता है क्योंकि मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे से हो रहा है। तो ये एक काम करता है। अब हम बात करते हैं नाखून की, हेयर की बात की, स्किन की बात की, अब नाखून की बात करते हैं। नाखून टिपिकली हर लोग स्वस्थ रखना चाहते हैं, बहुत नाखून का केयर करते हैं। महिलाएं ज़्यादा केयर करती हैं बिकॉज उनके लिए नाखून और नेल पॉलिश और नाखून को मेंटेन करना और उसको अच्छा रखना एक हॉक शौक होता है उनका। और जब उनकी बात करेंगे तो उनको ये हमेशा पता चलता है कि ये नाखून जो है थोड़ा वीक हुआ है, टूटा है। यदि आप नेल पॉलिश नहीं लगाते और बहुत सारा आप मेंटेन नहीं करते और पुरुष नहीं करते, तो पुरुष को यदि यहाँ टूट भी रहा है, कुछ हो भी रहा है, तो ज़्यादा पता नहीं चलता क्योंकि वो समझ रहा है कि ठीक है वो वैसा ही है। लेकिन महिलाओं को ये तुरंत नोटिस हो जाता है बिकॉज दे आर जस्ट नोटिसिंग इट। तो लेकिन मैंने आपको एक नाखून पैर के भी और हाथ के भी यहाँ स्क्रीन पे रखे हैं, जिसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नाखून बीमार है। नाखून कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, नाखून कह रहा है कि हम स्वस्थ नहीं है। और वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हमको बायोटिन की कमी है, वो कह रहा है कि हमारे में B7 की कमी है। तो बायोटिन क्या करता है? तो वो आपके नेल्स को मजबूत करने में, उसको स्वस्थ करने में मदद करता है। और एक आंकड़ा मैं आपको देता हूं, वो भी प्रूवन आंकड़ा, साइंटिफिक डेटा का आंकड़ा दे रहा हूं। और वो आंकड़ा ये है कि 2.5 मिलीग्राम यदि बायोटिन का सप्लीमेंट डेली लिया जाए 6 महीने तक, फिर से मैं रिपीट करता हूं, 2.5 मिलीग्राम बायोटिन का सप्लीमेंट यदि डेली लिया जाए 6 महीने तक, तो ये नेल के थिकनेस को, नाखून की थिकनेस को 25% ज्यादा बढ़ा देता है। है चौंकाने वाला आंकड़ा? यस, टाइप करें यदि आपको इंटरेस्टिंग लगा तो। और ये जो है साइंटिफिक डेटा है कि 2.5 मिलीग्राम यदि आप बायोटीन सप्लीमेंट डेली लेते हैं, 6 महीने तक ही सिर्फ लेते हैं, तो आपकी स्किन, क्या बोलते हैं उसको, नाखून का थिकनेस 25%, 1/4 से ज्यादा बढ़ जाता है। इतना स्ट्रांग आपका नाखून हो जाता है। तो ये फायदा है बायोटीन का। और इस तरीके से ये हेयर पे भी काम करता है, क्योंकि हेयर का जो मैकेनिज्म मैंने बताया, उसकी थिकनेस को बढ़ा देना और उसके वॉल्यूम को बढ़ा देना, बाल ज्यादा हो जाए और मजबूत हो जाए, मोटा हो जाए, तो ये वाला काम ये करता है। जिनका क्या बोलते हैं वो ब्रिटल फिंगर नेल्स हैं, फिंगर नेल जिनका बहुत ब्रिटल है, जल्दी जल्दी यू नो टूट जाता है, ब्रिटल होता है, उनको डेली डोज ऑफ बायोटीन की जरूरत है ताकि वो उसकी जो स्प्लिटिंग है, फटने वाली बात हो रही है, टूटने वाली बात हो रही है, वो रुक जाए। अब एक आगे की स्लाइड पे चलते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेटाबॉलिज्म को ये कैसे सपोर्ट करता है, ये एक बड़ा पार्ट है इसका। अभी तक हमने समझा कि इसका हेयर पे क्या रोल है, इसका स्किन पे क्या रोल है, हमने समझा कि नाखून पे क्या रोल है। अब एक बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूँ, और उसका रोल है आपके मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करने का। आपका जो मेटाबॉलिज्म है, चयापचय की जो प्रक्रिया आपके बॉडी में हो रही है, उसको ये B7 बहुत जबरदस्त तरीके से सपोर्ट करता है। इतना ज्यादा सपोर्ट करता है कि उसकी अनिवार्यता है, B7 अनिवार्य विटामिन हो जाता है आपके मेटाबॉलिज्म के लिए, इतनी ज्यादा जरूरत है इसकी। तो ये क्रूशियल है आपके मेटाबॉलिज्म के रेगुलेशन के लिए भी और मेटाबॉलिज्म के फंक्शन के लिए भी, दोनों दो बातें हैं। फिर से समझिए, मेटाबॉलिज्म का फंक्शन होना एक बात है और मेटाबॉलिज्म का रेगुलेशन, रेगुलेट होना एक बात है। ये इकलौता विटामिन है B7 जो उसके फंक्शन को भी चलाता है और उसको रेगुलेट भी करता है। और किस चीज को रेगुलेट करता है? तो आपके नर्वस सिस्टम से जो उसका कनेक्ट है उसको रेगुलेट करता है। तो बायोटीन एक बड़ा रोल प्ले करता है आपके मेटाबॉलिक फंक्शन में, और ये एक को एंजाइम का काम करता है, और को एंजाइम बन के वो जो है फूड को ब्रेक डाउन करता है। आप खाना खाते हैं, मेटाबॉलिज्म होती है, तो क्या होता है? फूड ब्रेक डाउन होता है, फूड ब्रेक डाउन होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी ब्रेक डाउन होता है, फैट भी ब्रेक डाउन होता है, प्रोटीन भी ब्रेक डाउन होता है। और ये कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, प्रोटीन का, सारा का ब्रेक डाउन करने में B7 का, बायोटीन का रोल होता है। इसलिए जैसे हेयर, जैसे स्किन, जैसे नेल पे हमने बात की, वैसे ही मेटाबॉलिज्म के लिए एक अनिवार्य विटामिन है, और ये कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, प्रोटीन का, मेटाबॉलिज्म करते समय जो ब्रेकअप होता है, ब्रेक डाउन होता है, उसमें ये बहुत ज्यादा मदद करता है। एक और इससे निकल के बात आती है, जब हमने ब्रेक डाउन की बात की और मेटाबॉलिज्म की बात की, तो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट BMR, आपका जो BMR है, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट जिसको कहेंगे आप,
उसमें भी इसका बड़ा योगदान है, क्योंकि क्या करता है कि ये जो मेटाबॉलिज्म की बात हम कर रहे थे उस रिएक्शन को ये फर्दर एक्सेलरेट करता है जब बायोटीन को क्रोमियम पिकोलिनेट के साथ मिला दिया जाए। क्रोमियम पिकोलिनेट एक तरीके का तत्व है जो देखिए सब डायबिटीज की दवाइयों में इस्तेमाल होता है, हर जगह पे क्रोमियम पिकोलिनेट आप सुनते रहते हैं। यदि बायोटीन को क्रोमियम पिकोलिनेट के साथ कंबाइन कर दिया जाए, उसको उसके साथ मिला दिया जाए या उसको साथ में क्रोमियम पिकोलिनेट भी दिया जाए, तो ये इस मेटाबॉलिज्म के रिएक्शन को फर्दर एक्सेलरेट करता है और आपकी रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट जो है बढ़ जाती है और फूड का ब्रेकडाउन फास्टर होने लग जाता है। जब फूड का ब्रेकडाउन फास्टर होगा, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, आप जो है जल्दी जल्दी वेट लॉस कर पाएंगे, आप वजन कम कर पाएंगे, आप फैट एक्युमुलेट नहीं कर पाएंगे, और ये सारा कुछ एक तरफ लेके जाएगा, और वो चीज क्या है, आपकी बॉडी शेपिंग की तरफ। आपका वजन कम करेगा, आपका बॉडी शेप करेगा। इसलिए यहां पे मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो विटामिन जो है, इसीलिए इसको ब्यूटी विटामिन कहा जाता है, क्योंकि ये हेयर का, स्किन का, नेल का, ये बाल का, त्वचा का और नाखून का तो सुंदरता का ख्याल रख ही रहा है, साथ साथ आपके बॉडी के शेप का भी ख्याल रख रहा है, आपको जो है स्लिम करने की बात कर रहा है। तो ये पूरी तरीके से ब्यूटी विटामिन है। मैंने शुरू किया ये बता के कि ब्यूटी विटामिन क्यों है, ये हम जानेंगे, तो हम एक एक करके जान रहे हैं कि आखिर क्यों इसे ब्यूटी विटामिन कहते हैं। ये कारण है सब जिनके लिए इनको ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। अब बातें करते हैं डायबिटीज के बारे में। हमने डायबिटीज की चर्चा भी की थी शुरू में कि ये डायबिटीज के लिए लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो बायोटीन को जो है डायबिटीज के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। क्यों? क्योंकि बायोटीन डिफिशियंसी को ग्लूकोज टॉलरेंस के साथ लिंक किया जाता है। ग्लूकोज टॉलरेंस की जब बात आएगी, ग्लूकोज इनटॉलरेंस हो रहा है तो बायोटीन की कमी हो रही है तो भी हो रहा है। तो बायोटीन को सीधा ग्लूकोज टॉलरेंस से जोड़ के देखते हैं, और जो है आपका जो ग्लूकोज का डिक्रीज यूटिलाइजेशन होना हो तो भी बायोटीन का उसमें योगदान है। और बायोटीन को यदि क्रोमियम पिकोलिनेट के साथ पेयर कर दिया जाए तो ये ग्लूकोज लेवल्स को नीचे करता है। इट रिड्यूसेस योर ग्लूकोज लेवल प्रोवाइडेड बायोटीन को क्रोमियम पिकोलिनेट के साथ पेयर कर दिया जाए। और यही कारण है कि क्रोमियम पिकोलिनेट और बायोटीन का कॉम्बिनेशन ग्लाइसेमिक कंट्रोल के लिए बढ़िया माना जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो ओबेस हैं, जो मोटे हैं, जो ज्यादा वजन वाले हैं, ओवरवेट हैं, ओबेस हैं, उनके लिए, और टाइप टू है, उनको टाइप टू डायबिटीज है, ओवरवेट हैं, ओबेस हैं, उनके लिए बायोटीन की मात्रा पूरी मात्रा में होना जरूरी है। यदि है तो वो ब्लड शुगर को कम करता है और उनको बेहतर करता है ना कमाल की बात। तो बायोटीन एक ऐसा चीज है जो डायबिटिक लोगों को, खासकर यदि वो मोटे हों और टाइप टू डायबिटीज हो, तो उनके लिए बड़े काम की चीज है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बायोटीन के एक और फंक्शन को समझते हैं। बायोटीन जो है दो इंपॉर्टेंट काम करता है। जब मैं प्रोसेसिंग और ब्रेकडाउन की बात कर रहा हूं तो दो इंपॉर्टेंट काम करता है। पहला काम तो ये करता है कि फैटी एसिड का सिंथेसिस करता है। आपका जो फैटी एसिड है उसका सिंथेसिस करता है। बायोटीन एंजाइम्स में मदद करता है और वो जो है एक रिएक्शन को एक्टिवेट करता है जिससे कि फैटी एसिड का प्रोडक्शन बढ़िया से होता है, उसका सिंथेसिस बढ़िया से होता है। तो पहला काम हुआ कि फैटी एसिड का सिंथेसिस करता है। और दूसरा जो बड़ा काम करता है वो करता है कि ये अमाइनो एसिड का ब्रेकडाउन करता है। अमाइनो एसिड आपको याद होगा, प्रोटीन में हमने समझा था कि कैसे अमाइनो एसिड से प्रोटीन बना हुआ है। तो अमाइनो एसिड जब आप बॉडी में लेते हैं तो उसके ब्रेकडाउन का काम बायोटीन करता है। बायोटीन कुछ एंजाइम्स ऐसे रखता है अपने साथ जो कि मेटाबॉलिज्म में अमाइनो एसिड के बहुत मदद करता है। तो ये जो है ब्रेकडाउन की बात हुई। तो दो चीजें यहाँ पे हमने समझी, फैटी एसिड्स को सिंथेसाइज करता है, अमाइनो एसिड को ब्रेकडाउन करता है। सो बायोटीन एक और चीज करता है कि ये जो है हर सेल, शरीर का जो भी सेल है, सभी, ऐसा कह सकते हैं सभी सेल का, सभी कोशिकाओं का ग्रोथ के लिए ये नेसेसरी है। बायोटीन की अनिवार्यता है आपके सारी की सारी कोशिकाओं के डेवलपमेंट के लिए। इसीलिए ऐसा कहा जा सकता है, इट विल नॉट बी पॉसिबल टू बी अलाइव टूडे इफ बायोटीन इज नॉट देयर विद यू। बायोटीन इतना इंपॉर्टेंट विटामिन है कि यदि ये ना हो आपके पास तो आप शायद अलाइव भी नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके हर एक कोशिका का ग्रोथ का भी काम यही करता है।
इसके अलावा एक और पॉइंट मैं आपको देना चाहता हूं, और वो है आपके इंटेस्टाइन में, आंतों में जो गट बैक्टीरिया है, वो गट बैक्टीरिया को ये सिंथेसाइज्ड करता है, उसकी सिंथेसिस में मदद करता है। अदर देन सेल ग्रोथ, अभी तक हम सेल ग्रोथ की बात कर रहे थे, यहां पे हमने आपको बताया कि आपकी कोशिकाओं के हर सेल को जो है ग्रोथ के लिए नेसेसरी है, इसलिए आपकी जिंदा रहने के लिए भी जरूरी है। यहां पे हमने बताया कि आपका सेल ग्रोथ के अलावा बायोटीन जो है एक और बड़ा काम करता है, और वो क्या काम करता है, तो वो रेप्लिकेशन का काम करता है। बायोटीन जो है आपके इंटेस्टाइन में जो गट बैक्टीरिया है उसके सिंथेसिस में ये मदद करता है, और ये एक इस तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब समझते हैं कि ये तो बात हुई कि भाई ये क्या क्या करता है, अब ये कहां कहां पे मिलता है, बायोटीन कहां पे पाया जाता है, कौन से खाने में पाया जाता है, कौन से फूड लेने से बायोटीन मिलता है। तो बायोटीन काफी चीजों में मिलता है, अंडे में मिलता है, एक योक जिसको कहते हैं उसके अंदर मिलता है, कोई भी मीट आप खाते हैं, मांसाहारी में मीट खाते हैं, ऑर्गन में मिलता है, मीट में जो ऑर्गन होता है उसमें मिलता है, मतलब लीवर है, किडनी है। तो मैंने यहाँ पे तस्वीर में भी एक मीट में कोई ऑर्गन दिखाया है, मीट में यदि कोई ऑर्गन आप लेते हैं तो उसमें जो है ये बायोटीन की मात्रा मिलती है। फिश में मिलता है, कुछ खास तरीके के फिश होते हैं उसमें मिलता है, चीज में मिलता है, डेयरी का चीज होता है तो चीज भी मैंने एक यहाँ पे प्लेट में रखा है, चीज में मिलता है, नट्स में मिलता है, आप जो है मूंगफली की बात करें या बादाम की बात करें, आलमंड की, काजू की बात करें या पिस्ता की, या फिर कोई और चीज की बात करें तो उसके नट में मिलता है। ये जो है वॉलनट वगैरह जो होता है, अंजीर वगैरह उसमें मिलता है, नट के बटर्स जो होते हैं, नट में से निकले वाले बटर उसमें होता है, पीनट बटर वगैरह आपने सुना होगा उसमें मिलता है, सोयाबीन में मिलता है, और ये कोई भी लेग्यूम्स में मिलता है। लेग्यूम्स किसको कहते हैं, लेग्यूम्स का मतलब फलियां, जैसे मान लीजिए कि आपका सेम है वो एक फली है, आपका सोयाबीन एक फली है, आपकी जो फ्रेंच बीन है वो एक फली है, आपका बोधी बोरो जिसको कहते हैं वो एक फली है, मतलब कोई भी फली वाला जो सामान होता है जिसको ऐसे खोलते हैं तो अंदर जो है उसके बीज होती है उसको फली आप कहेंगे ना। तो ये जैसे गोभी के बगल में मैंने ये रखा है, ये फली है। तो ये फली में जो फली वाली जो चीजें होती है उसमें मिलता है, होल ग्रेन में मिलता है, आपके सीरियल्स और अनाज में मिलता है, कैलीफ्लावर में मिलता है जो आपका गोभी है, फूल गोभी जिसको आप कहते हैं, बनाना में मिलता है, केले में मिल जाता है, मशरूम में मिलता है। तो ये इतनी सारी चीजों में ये पाया जाता है और हम ज्यादा करके ये लेते रहते हैं। अब कहाँ पे कहानी है, बिकॉज ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्निक, जिस तरीके से हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, हमारे प्लेट में जब आता है, फार्म से फूड जब चलता है, फार्म टू प्लेट, हमारे प्लेट में जब आता है तो जितने प्रोसेसिंग होके आता है वो, उसमें उसका बायोटीन का नुकसान होते 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 काफी कम बायोटीन बच जाता है या नहीं बच जाता। इसके अलावा खाना बनाने का जो तरीका होता है वो भी काफी हद तक बायोटीन को नष्ट कर देता है, गायब कर देता है। तो इसीलिए यदि हम रॉ खाना खाएं, लेस प्रोसेस्ड खाना खाएं, तो एक्टिव बायोटीन ज्यादा मिलेगा। लेकिन आज की डेट में कहां पे हम आ गए, तो हम जो है चीजों को प्रोसेस्ड करके खाते हैं। आप ब्रेड खाते हैं, ब्रेड का मतलब क्या हुआ, मैदे से बना है, मैदे का मतलब क्या हुआ, प्रोसेस्ड फ्लोर है, रिफाइंड फ्लोर है, आपका आयल रिफाइंड आयल है। आप कोई भी चीज की बात करेंगे तो वो रिफाइंड है, प्रोसेस्ड है, रेडी टू इक्ट है, रेडी टू मिक्स है, रेडी टू कुक है, तो आपने उसको प्रोसेस कर दिया है, हर चीज प्रोसेस्ड है। तो प्रोसेस्ड होने की वजह से वो जो है गुणवत्ता खो बैठा है। दूसरी चीज, उसका प्रोसेस्ड के बाद अब आप उसको कुक करते हैं और कुक करने का तरीका भी डिफरेंट है, तो फिर वो काफी लॉस होता है उसमें, तो बायोटीन की मात्रा कम हो जाती है। हालांकि डिफिशियंसी की बात मैं करने जा रहा हूं स्लाइड में, लेकिन पहले बता दूं कि हालांकि डिफिशियंसी जो है बायोटीन की बहुत कम लोगों में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज की इस फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में जहां पे खाने का तरीका पूरा का पूरा प्रोसेस्ड हो चुका है, पूरा का पूरा कुक करने का तरीका प्रोसेस्ड हो चुका है, हम फास्ट फूड पे चले गए हैं, हम टेस्ट के पीछे भाग रहे हैं, तो क्या हुआ है, बायोटीन की मात्रा कम होने लगी है। अदरवाइज बायोटीन की मात्रा कम बहुत रेयर होगी, लेकिन फिर भी काफी कम हो रही है। अब क्यों कम हो रही है उसके बारे में मैं स्लाइड पे चर्चा करने वाला हूं, और मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आपके खाने में सब कुछ है, बायोटीन इतना है,
तो आपको बायोटिन क्यों नहीं मिल रहा है। तो दो बातें हमने इस स्लाइड पे चर्चा की और हमने ये बात कही यहाँ पे कि भाई हो सकता है कि जो तरीके से खाना पकाया जा रहा है या जिस तरीके से प्रोसेस्ड हम लेके आ रहे हैं वो एक रीजन है, लेकिन मैं कुछ और रीजन आपको बताता हूँ जिसमें आप सब रिलेट होंगे और आप महसूस करेंगे कि यस आप भी एक उसमें से हो सकते हैं। और आप यदि लगे कि आप भी हो सकते हैं तो यस टाइप करिएगा चैट बॉक्स में, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज बात करते हैं कि कौन कौन लोग जो हैं प्रोन हैं। प्रोन का मतलब कि जिनकी संभावना ज्यादा है वो जो है आपके डिफिशियंसी होने की, बायोटीन की कमी होने की संभावना किसके किसके पास ज्यादा है। सबसे पहला चीज मैं बताता हूँ, स्मोकर्स। यदि कोई सिगरेट पीता है, सिगरेट पीने वाला आदमी है और दिन का दो सिगरेट भी पीता है तो उसकी बायोटीन की डिफिशियंसी होगी, तो ये एक रीजन हो सकता है। दूसरी रीजन की बात करते हैं, अल्कोहलिक। यदि कोई शराब पीने वाला व्यक्ति है और रेगुलर शराब पीता है, दारू पीता है, तो बायोटीन डिफिशियंसी होगी। तीसरी बात करते हैं प्रेग्नेंट वुमेन की। यदि कोई महिला गर्भवती है तो ज्यादा करके बायोटीन डिफिशियंसी होती है क्योंकि उस समय रिक्वायरमेंट चेंज होता है और उस समय बायोटीन की सबसे ज्यादा मात्रा की जरूरत होती है, बिकॉज भ्रूण में जो बच्चा पल रहा है उसको उस पोषण की जरूरत है। एक और चीज इसमें है कि पर्सन, कोई भी व्यक्ति जिसको लीवर डिजीज हो, लीवर से रिलेटेड कोई बीमारी हो, सोडाइसिस से लेके नॉर्मल लीवर बीमारी हो, उसको भी बायोटीन की कमी हो सकती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कौन से लोग, जो लोग डाइट को प्रोसेस्ड करके खाते हैं, प्रोसेस्ड डाइट पसंद करते हैं, पाव रोटी और ब्रेड खाते हैं और वड़ा पाव खाते हैं और उस तरीके की प्रोसेस्ड सामान खाते हैं, प्रोसेस्ड चीजें लेते हैं, उन लोगों का सबसे ज्यादा ये जो है बायोटीन डिफिशियंसी का मामला रहता है। अब आप मुझे बताइए कि आपको लगता है कि आप इसमें से कोई ना कोई हैं, कहीं नहीं होंगे तो प्रोसेस्ड फूड वाले में तो जरूर आएंगे। टाइप यस यदि आपको लगता है कि आप इसमें से कोई ना कोई हैं, द स्मोकर्स, ड्रिंकर्स, कोई भी, जितनी भी चीजें मैंने बताई, लीवर में किसी तरीके का प्रॉब्लम या फिर प्रोसेस्ड फूड खाने वाले, हम चाहे अनचाहे जाने अनजाने में प्रोसेस्ड फूड ही खाते रहते हैं बिकॉज आज हमें वही मिलता है। प्रोसेस्ड फूड लिख रहे हैं जोगिंदर जी, तो सब लोग प्रोसेस्ड फूड की बात कर रहे हैं। तो ये हो गई, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपने स्लाइड की तरफ और समझते हैं कि बायोटीन की एक और खासियत है। वो खासियत क्या है? तो वो खासियत है कि बायोटीन आपके शरीर में स्टोर नहीं किया जाता, बायोटीन आपके शरीर में स्टोर नहीं हो सकता, ये एक बात समझिए। तो आपको हर दिन लेना पड़ेगा, यदि आपका कम है तो कम है, वो पहला दिन वाला स्टोर होके नहीं रखा है। सो इफ यू डोंट टेक दिस एनाफ, आपके खाने में यदि ये पूरी मात्रा में, प्रचुर पर्याप्त मात्रा में ना लें, तो इवेंचुअली क्या करेगा ये, तो ये आपको बायोटीन के मामले में लो कर देगा, डेफिशियंट कर देगा, इवेंचुअली करेगा, धीरे 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 आपको बायोटीन डिफिशियंसी हो जाएगी। और बायोटीन डिफिशियंसी हुई तो क्या क्या होगा, वो सब हम अभी तक इतने देर से स्लाइड पे समझते जा रहे हैं। तो ये एक बात करी और समझते हैं, एक और कनेक्ट आपको मैं बताना चाहता हूं, और एक ये जानकारी साइंस बेस्ड जानकारी है, और वो जानकारी ये है कि इसका एक एंटीबायोटिक इफेक्ट भी है, और वो एंटीबायोटिक इफेक्ट जरा ध्यान से समझिए। अनदर रीजन कि एक्सेसिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक, या आप ठीक से खाना नहीं खाते, एडेक्वेट डाइट नहीं लेते, या फिर जो डाइट लेते हैं उसमें यदि एंटीबायोटिक है, या एंटीबायोटिक का ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ऐसे टैबलेट्स खाते रहते हैं, किसी डॉक्टर ने बताया तो खा रहे हैं, या खुद डॉक्टर बन गए तो खा रहे हैं, एंटीबायोटिक पॉप करते जा रहे हैं पिल्स। इफ यू आर पॉपिंग एंटीबायोटिक पिल्स डॉक्टर के कहने पे या खुद के कहने पे, तो सबसे पहली बात है कि आपका ये एंटीबायोटिक इफेक्ट ऐसा होने वाला है कि आपकी बायोटीन कम होती जाएगी और इवेंचुअली आप बायोटीन डिफिशियंसी में जाएंगे। अब ये बोलेंगे आप कि भाई एंटीबायोटिक तो मैं बहुत ज्यादा खाता नहीं हूं, कभी कभी खाया तो मेरे को कैसे होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आप एंटीबायोटिक कैसे खाते हैं। आप, हम जितने लोग हैं आज के समय में एंटीबायोटिक दबा के खा रहे हैं। आज मैंने कोई बिग बास्केट से कोई एग सामान आया था, तो उसमें मैं बिल्स चेक कर रहा था, तो उसमें एग था, एग वॉज 270 रुपीज का एक डजन। क्या था वो, क्यों लोग 270 रुपए का एक दर्जन अंडा खा रहे हैं? इसलिए खा रहे हैं कि वो कह रहा है कि वो ऑर्गेनिक अंडा है।
एटलीस्ट वो कह रहा है कि उसमें एंटीबायोटिक नहीं है, एंटीबायोटिक का डोज डाल के नहीं बनाया है। तो कोई यदि 50 रुपये 60 रुपये का दर्जन का अंडा मिलेगा, कोई 270 रुपये का अंडा मिलेगा, तो लेकिन लोग 270 वाला भी खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? क्योंकि यहाँ गैप है। अब मैं आपको उस तरफ लेके जाना चाहता हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि एंटीबायोटिक आप कहाँ कहाँ से ले रहे हैं आपको कोई आइडिया नहीं। आप यदि चिकन खा रहे हैं, आप यदि एग खा रहे हैं, आप यदि कोई और चीज़ें ले रहे हैं, कुछ और चीज़ें ले रहे हैं, सब जगह पर एंटीबायोटिक भर के आ रही है। इतना ज़्यादा कि रिसर्च ये कन्फर्म करता है भारत के बड़े बड़े ब्रांड्स के सैंपल लेके कि आप यदि रेगुलर ईटर हैं तो आपका एंटीबायोटिक डोज शरीर में इतना ज़्यादा हो चुका है कि आप जो 5-10 बड़े बड़े एंटीबायोटिक के फॉर्मुलेशंस ले लीजिए उसका कोई असर आपके शरीर पे नहीं होता। ये टेस्ट करके लिया गया है और बड़े बड़े 4 हॉस्पिटल में, सर गंगाराम अस्पताल में और वहाँ पे टेस्ट करके लिया गया है कि जो लोग इस तरीके से एंटीबायोटिक का इनडायरेक्ट डोज ले रहे हैं, अंडे में, चिकन में, इसमें उसमें, उनका जब कोई प्रॉब्लम आ गया और एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत पड़ी तो एंटीबायोटिक कोई असर नहीं करता, कुछ भी असर नहीं करता। तो ये कितना खतरनाक बात है। मैं उस बात की तरफ नहीं था, मैं इस स्लाइड पर सिर्फ इतना बता रहा था कि यदि एंटीबायोटिक की मात्रा यदि आप इन जाने अनजाने में चाहे अनचाहे ले रहे हैं तो आपका बायोटीन धीरे 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 कम होता जाएगा और आप बायोटीन डिफिशियंसी में जाएंगे। सो इसीलिए एंटीबायोटिक कैन कॉज अल्टरेशन इन योर गट फ्लोरा ऑल्सो। और अभी गट फ्लोरा को हम समझ के आए हैं, वहाँ पे भी बायोटीन का लेना देना है। वहाँ पे कम हुआ तो बायोटीन सिंथेसाइज ठीक से नहीं हुआ तो ये जो एंटीबायोटिक है वो आपके गट फ्लोरा में भी करता है तकलीफ और इसकी वजह से सिंथेसिस में तकलीफ आती है और फिर जो है दिक्कत आती है। तो बायोटीन डिफिशियंसी क्यों होता है एंटीबायोटिक से, ये यदि समझना है तो एक लाइन समझिए कि एंटीबायोटिक कैन कॉज अल्टरेशन ऑफ गट फ्लोरा। गट फ्लोरा वही चीज है जो बायोटीन को प्रोड्यूस करता है, तो यदि उसी में अल्टरेशन कर दिया तो बायोटीन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, बायोटीन को ले ही नहीं रहे। तो इन टूडेज लाइफ अनोइंगली हम बहुत सारे बायोटीन एंटीबायोटिक ले रहे हैं और ये एक खतरा है। बायोटीन डिफिशियंसी की बात करते हैं। बायोटीन डिफिशियंसी का मतलब हुआ कि लैक ऑफ विटामिन आपके पास ये कम हो रहा है। तो ये क्या क्या कर सकता है, तो मैंने तस्वीर में कुछ दिखाने की कोशिश की है। ये आपका स्किन को ड्राई कर सकता है, इचिंग कर सकता है, डर्मेटाइटिस कर सकता है। डर्मेटाइटिस मतलब क्या होता है? डर्मेटाइटिस मतलब कोई भी स्किन पे ऐसी बात जिससे कि वो रेड हो जाए, वो जो है थोड़ा सा रफ हो जाए, डर्मेटाइटिस टाइप की चीज हो गई। और ये जो है डर्मेटाइटिस आपके फेस में भी हो सकता है, स्काल्प में हो सकता है, बाल के इसमें हो सकता है, डैंड्रफ हो सकता है, रूसी हो सकता है, आपका कहीं का जो सरफेस है उसमें जो है ये असर करने लगे और ये वहां पे उस तरीके की बात करता है। ये आपके हेयर में तकलीफ कर सकता है, आपके नेल्स को ब्रिटल कर सकता है, फ्रेल कर सकता है नेल को। बायोटिन डिफिशियंसी जो है वो जो है बहुत तरह के अदर सिम्टम्स भी दे सकता है स्किन, हेयर और नेल के अलावा। और वो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, तो वो आपको थकान दे सकता है, फटीक बार बार होए, आपको डिप्रेशन दे सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकती है आपको, आपके मसल्स में पेन हो रहे हैं। मसल्स में पेन होता रहता है ना, किसी को टटाते रहता है, थोड़ा इधर होता है थोड़ा उधर होता है, बोलते हैं ना कि यहाँ पे काफ मसल में बहुत टटा रहा है, थोड़ा दबा दो, थोड़ा ऐसा करो वैसा करो, ये कहीं ना कहीं पे आपका B7 का कहानी हो रहा है, फैट मेटाबॉलिज्म को प्रोसेस नहीं कर रहा है प्रॉपर, तो ये उस तरीके की बातें हो रही है। और जो है यदि आपके मसल में पेन के अलावा आपका बाल झड़ रहा हो, कितने लोग यहाँ पे कनेक्ट होते हैं बाल झड़ने से, कितने लोग परेशान है कि आपका बाल झड़ रहा है, महिला भी परेशान है पुरुष भी परेशान है, बाल झड़ने से तो बहुत लोग परेशान है। यस टाइप करें यदि आप परेशान हैं। तो आज हम ब्यूटी विटामिन की बात कर रहे हैं और बायोटीन की बात कर रहे हैं जिसको बाल का विटामिन कहा जाता है, त्वचा का विटामिन कहा जाता है। तो यदि आपका बाल झड़ रहा है तो आप देखिएगा, बाल झड़ना और चिड़चिड़ापन, बाल झड़ना और कोई चीज का कॉम्बिनेशन होता है, तो ये जो है उस तरीके से कनेक्टेड है। और एक और चीज है, यदि एनीमिया की बात करें, एनीमिया महिलाओं को जो होता है उसकी बात करें तो वो भी इसके लक्षण हो सकते हैं बायोटिन डिफिशियंसी के। और फ्यू सिम्टम्स कुछ और भी हो सकते हैं, जैसे आपका लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख आपकी कम हो गई, आपकी जो है भूख कम लग रही है, इच्छा नहीं होती खाने की, थोड़ा मंद पड़ गया, तो ये जो इच्छा मंद पड़ गई खाने की, ये जो है एक इसका पहचान हो सकता है।
डर्मेटाइटिस ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, स्काल्प में आपके कुछ परिवर्तन आ रहे हो, यहाँ पे इच हो रहा हो या आपका डैंड्रफ हो रहा हो या ऐसे कर रहे हो तो कुछ व्हाइट व्हाइट उसमें से स्काल्प में से निकल रहा हो, तो ऐसी यदि कुछ बातें हो रही हैं तो आप खाली वो एंटी डैंड्रफ शैम्पू लगा के मत छोड़ दीजिए, आप जो है अंदर का इलाज कीजिए। ऊपर का आवरण एक बात है लेकिन अंदर का इलाज कीजिए। और आपको एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने तुलसी में समझ के लिया है कि तुलसी किस तरीके से आपको पूरी तरीके से रूसी मुक्त कर सकता है, प्रोवाइडेड आप श्याम तुलसी का पत्ता तोड़ के अच्छी क्वालिटी इतनी मात्रा में तो उसकी पूरी पेस्ट बना के पूरे स्काल्प पे यदि लगा लेते हैं तो ये उस तरीके का काम करता है। और हमने अभी रिसेंटली मोरिंगा की बात की और मोरिंगा किस तरीके से स्काल्प को हेल्दी कर देगा उसकी भी बात की, और आज हम बात कर रहे हैं बायोटीन की। तो ये रहा आपका B7। अब इसकी RDA की बात करते, कितनी मात्रा चाहिए, कहाँ पे मिलता है ये सब समझ लिया, कितनी मात्रा चाहिए, कितनी मात्रा बहुत कम है, कितनी मात्रा बहुत ज्यादा है, कितनी चाहिए कितनी, तो इसके लिए हम RDA की बात करेंगे। RDA किसको कहते हैं, RDA means recommended daily allowance, मतलब जो निर्धारित की गई है विशेषज्ञों द्वारा कि NIN है इंडिया में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद में, वो डिसाइड करता है, वो निर्धारित करता है कि आप कौन सी चीज कितनी मात्रा में लें, आपका जो RDA है वो डिसाइड किया जाता है, हर चीज का एक RDA होता है, आप प्रोटीन कितना लेंगे, आप जिंक कितना लेंगे, आप विटामिन कितना लेंगे, तो B7 का RDA क्या है, जो बायोटीन है उसका RDA क्या है, तो B7 का RDA है कि बिटवीन 30-100 MCG, MCG का मतलब होता है माइक्रोग्राम, MCG मतलब माइक्रोग्राम, आप देखिएगा बहुत सारे टैबलेट पे कैप्सूल पे MCG लिखा रहता है, MCG मतलब माइक्रोग्राम, तो कितनी की RDA की बात हो रही है कि 30 से लेके 100 MCG आपका पर डे इसका रिकमेंडेड डोज है, 30 से 100 ये बायोटीन का RDA है। और चूंकि ये वाटर सोल्यूबल है, एक्स्ट्रा बायोटीन सिंपली आपके यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है, कहीं पे टिकता नहीं है, इसका ज्यादा ले लिया कोई प्रॉब्लम नहीं, कम लिया प्रॉब्लम है, समझिए कम लिया प्रॉब्लम है क्योंकि कम पड़ जाएगा, ज्यादा लिया प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है, ये फ्लश हो जाएगा आपके यूरिन के साथ निकल जाएगा, नेक्स्ट डे नहीं रहेगा। और मैंने ये भी बता दिया पहले कि ये संग्रह नहीं किया जा सकता शरीर में, बायोटीन शरीर आपका संचित नहीं करता, नेक्स्ट डे फिर से लेना पड़ेगा, तो ये बायोटीन की RDA हो गई पर डे। यस दीपक, पर डे इट इज पर डे 30-100 MCG पर डे। अब हम बात करते हैं इस बायोटीन की मात्रा भी समझ ली, सब चीज समझ लिया, अब आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि ये जो पूरा का पूरा कंप्लीट RDA है 100 MCG पर डे, यदि आपको एक एक टैबलेट में दे दिया जाए, दैट टू इन ऑल नेचुरल फॉर्म, एकदम नेचुरल फॉर्म में एक टैबलेट में डाल के दे दिया जाए, विल दैट बी ग्रेट, टाइप यस इफ यू थिंक इट इज ग्रेट, चैट में यस टाइप करिए यदि आपको लगता है कि ये पूरा का पूरा MCG, पूरा का पूरा RDA बायोटीन का एक टैबलेट में यदि दे दिया जाए और आपने वो टैबलेट खा के पानी पी लिया और वो पूरा का पूरा नेचुरल हो तो कितना मजा है, आप सब लोग यस 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 बोल रहे हैं, इतना मजा है ऐसा चीज। तो यस दोस्तों, गोयंग के पास वन ऑफ द फाइनेस्ट बायोटीन टैबलेट फॉर्म में मौजूद है, वन ऑफ द फाइनेस्ट इन कंट्री, तो ये है आपका गोयंग का बायोटीन जो टैबलेट फॉर्म में है, और 60 टैबलेट्स हैं आपके एक डब्बे में जो आपके एक महीने का डोज है, आप जो है 2 टैबलेट रोज लेने की बात करते हैं, दवाई नहीं है, आप एक टैबलेट भी ले सकते हैं, एक दिन गैप किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, इसका कोई दवाई इलाज से संबंध नहीं है, इसका संबंध आपके बायोटीन के डोज को पूरा रखने के लिए है, तो 2 टैबलेट आप रोज लेते हैं तो ये बढ़िया बात है। मैंने 6 महीने लेने से क्या हुआ वो भी बताया, 1 महीना लेने से क्या होगा, 2 महीना लेने से क्या होगा, आप उसको समझ पाएंगे, तो ये है बायोटीन की बात। इसको और समझते हैं कि क्यों बायोटीन लेना है, तो हमने अभी तक जितने स्लाइड को समझा उन सारे स्लाइड के लिए ये स्लाइड काम करेगा कि आपके हेल्दी हेयर के लिए, स्किन के नरिशमेंट के लिए, आपके ग्रोथ के लिए कोशिकाओं के, और आपके स्किन के वॉल्यूम के लिए, उसके शाइन के लिए, उसके स्ट्रेंथ के लिए, और ये जो है ऑथेंटिक क्वालिटी है, ये बात हुई। गोयंग बायोटीन ये सब चीजें करता है जिसको हमने पिछले स्लाइड्स में समझा, आपका नेल, आपका हेयर, आपका थिकर
हेयर, आपका ग्लोइंग स्किन, गोयंग बायोटीन जो है रीग्रो में, क्यूरिंग में, नरिशिंग में, आपका डायबिटिक हैं तो भी मैंने उसके बारे में बताया कि किस तरीके से मदद करेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताया और आपकी बॉडी शेपिंग के बारे में बताया कि किस तरीके से मेटाबॉलिज्म पे काम करके आपका जो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट है उसको अफेक्ट करके ये आपको बॉडी शेपिंग में मदद करता है बहुत तेजी से, तो ये काम करता है। एक टैबलेट में 1000 mcg है, एक टैबलेट में जो पूछ रहे हैं स्वामी एस एस स्वामी 1000 mcg है। अब आप बोलेंगे कि दो खाने की क्यों जरूरत है, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है, आपको सुनिश्चित करना है कि ये पूरा टॉपअप है और आपको बायोटीन की कमी नहीं है, क्योंकि उसका प्रोसेसिंग में भी कुछ लॉस होने वाला है। आपने जो लिया है एक चम्मच कोई चीज, वो उतना ही एक चम्मच पूरा का पूरा एब्जॉर्ब होने वाला नहीं है, तो आप उतना लेने वाले हैं ताकि आपका कहीं पे कम ना रहे। अब हम बात करते हैं हेयर नीड्स न्यूट्रिशन एंड विटामिन। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, बट मैं जानबूझ के ये स्लाइड पे आपको समझाना चाहता हूं। आपके बाल झड़ रहे हैं, आपके बाल दुमुहा हो गए हैं, आपके बाल रूखे हो गए हैं, आपके बाल पतले हो गए हैं, थिन हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, ये प्रॉब्लम सबका है, लेकिन हम उसके एक कदम पीछे आके कभी सोचते हैं क्या कि क्या क्या है? बाल ड्राई हो रहे हैं, बाल थिन हो रहे हैं, या बाल टूट रहे हैं, या बाल शेड हो रहे हैं, या डल हो रहे हैं, इन सब के पीछे। आप डल हो रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? तो आपने एक कोई अच्छी महंगी वाली केमिकल से लिप्त शैम्पू लगा ली और वो क्या कंडीशनर लगा लिया, तो बाल और थोड़ा बढ़िया हो गया, तो आपने उसको अच्छा कर लिया, लेकिन ये बाहर की सुंदरता हुई। अंदर की सुंदरता क्या है? कैरेटीन वाला सैंपल तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कैरेटीन आपने अंदर लिया क्या? बायोटीन आपने अंदर लिया क्या? आपने उसकी जो एक्चुअल न्यूट्रिएंट्स है उसको अंदर दिया क्या? तो इसलिए मैं ये स्लाइड आपके सामने रखा कि हेयर नाउ के लिए, हियर नाउ, सुनिए, अभी सुनिए, हेयर नाउ कि बाल में क्या क्या हो सकता है, तो ये बाल हो सकता है। और एक सिंपल सा आपको काम करना है, आपको जाके वो ढूंढ ढूंढ के वो किसमें बायोटीन है और उसकी उतनी मात्रा लेने की जरूरत नहीं है। आपने एक सप्लीमेंट लिया, आपके पास गोयंग बायोटीन है, आपने एक टैबलेट लिया, दो टैबलेट लिया, एंड यू आर डन। तो ये एक बात हुई। और थोड़ा समझते हैं न्यूट्रिशन, ये आपके हेयर के लिए है, स्किन के लिए है, नेल के लिए है। गोयंग बायोटीन वन ऑफ द बेस्ट सेलर है आज ऑनलाइन में, ऑनलाइन जितने भी मार्केट प्लेस हैं, चाहे अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, बिग बास्केट हो, आप देखेंगे कोई भी पोर्टल पे तो ये बेस्ट सेलर मिलेगा आपका गोयंग बायोटीन। ये जो है आपके शाइनी हेयर के लिए, चाहे वो बियर्ड का हेयर हो, चाहे वो आपके मूंछ की बाल हो, चाहे दाढ़ी का बाल हो, चाहे वो आपके सर का बाल हो, बाल के स्ट्रेंथ के लिए, शाइनिंग के लिए और नेचुरल तरीके से उसका होने के लिए। तो ये है आपका B12 जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये हेयर वॉल्यूम को परमानेंटली बेहतर करता है। रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, काफी R&D के साथ बना हुआ है। इस सारे सर्टिफिकेशन जो आपके दिख रहे हैं वो उसके डब्बे पे आपको मिलेंगे। अब इसके प्राइस की बात कर लेते हैं। इसकी प्राइस की ये बात है कि ये 1299 रुपीज का एक डब्बा है 60 टैबलेट्स का, और ये आपके पास सिर्फ 499 रुपीज में अवेलेबल है। आपके लिए ये सिर्फ 499 में है और ये आपके नेक्स्ट शॉपी पे अवेलेबल है, और इसके 499 के साथ आपको इस पे BV भी मिलता है। तो ये आपका एक पसंदीदा प्रोडक्ट हो सकता है, ब्यूटी प्रोडक्ट हो सकता है, जैसा सेशन के बिगनिंग में हम समझ रहे थे कि प्रोडक्ट ब्यूटी का हो तो ऑडियंस हर कोई होगा, हर आदमी, कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो ब्यूटी की बात नहीं करेगा। तो ब्यूटी की बात